तो जिस मामले ने हर तरफ बस सुर्खियां ही सुर्खियां बटोरी हैं, उसी खबर से हम शुरुआत करते हैं। लेकिन इस वक्त इसी मामले से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि पीटर मुखर्जी का जो लिखित बयान है उसे खारिज कर दिया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता शम्स ताहिर खान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शम्स, विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए श्वेता, आज शाम करीब 6:15 के आसपास पीटर मुखर्जी अपने वकील के साथ यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने महेश जेठमलानी जो नामी वकील है उनको अपना वकील तैनात किया है। तो सबको उम्मीद यही थी, पिछले दो दिन से यही उम्मीद थी कि पीटर मुखर्जी का भी बयान होगा, क्योंकि वो इस पूरे जो रिश्ते का घालमेल है उसकी एक अहम कड़ी है, एक हिस्सा है बल्कि उस रिश्ते का। तो लेकिन जिस तरीके से वो सिर्फ 20 मिनट में खार पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो बड़ा अजीब लगा। बाद में पता चला कि वो एक रिटर्न स्टेटमेंट लेकर आए थे कि पुलिस को जो भी इस मामले में कैरी है उसमें उनका अपना पक्ष की क्या रिश्ते थे, या फिर 24 अप्रैल 2012 को क्या हुआ वो, लेकिन पुलिस ने रिटर्न स्टेटमेंट लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो सवालों के ऑलरेडी फहरिस्त तैयार हो चुकी है और जाहिर सी बात है बहुत जेन्युइन भी है, क्योंकि इस केस से जुड़े हुए हर किरदार से पुलिस को पूछताछ करनी है। लेकिन वकील के सलाह पर वो आए थे कि स्टेटमेंट से काम चल सकता है, पुलिस ने उसको मना कर दिया और जाहिर सी बात है कि अब उनसे पूछताछ होगी। कब बुलाया जाएगा ये राकेश मारिया तय करेंगे। लेकिन उसके साथ ही एक और भी चीज ये हुई कि जब वो आए थे तो पुलिस से जाहिर सी बात है टाइम ले चुके थे, उन्हें ये कहा गया था कि आप अपने और विधि जो संजीव खन्ना की बेटी है लेकिन जिसको गोद ले रखा है और जो इनके साथ ही रहती है मुंबई में, उन दोनों के पासपोर्ट की कॉपी मंगाई गई थी। उसकी जो वजह है वो ये थी कि 24 अप्रैल 2012 को जब ये कत्ल हुआ था उस वक्त पीटर मुखर्जी का ये कहना है कि वो और विधि दोनों बाहर थे, पहले लंदन में थे फिर रोम में थे। तो पुलिस शायद इस पासपोर्ट के डिटेल के जरिए दोनों बाप बेटी के ये चेक करना चाहती है कि ये सच कह रहे हैं या इस वक्त किस देश में थे, कहाँ थे और कब तक ये बाहर थे, फिर कब लौटे। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से ये पासपोर्ट की कॉपी उससे जमा की गई है, उसके अब जो फॉरेंस के डिटेल है वो पुलिस लेगी। लेकिन पूछताछ आज नहीं हुई, हाँ पूछताछ उनसे होगी ये अभी भी मुंबई पुलिस कह रहे हैं। राकेश मारिया ने भी ये कहा ऑफ द रिकॉर्ड कि वो चुके इस केस से जुड़े एक अहम हिस्सा है, इससे हम उनसे पूछताछ करें। फिलहाल लिखित बयान दर्ज जो है वो खारिज कर दिया गया। बहुत शुक्रिया शम्स ताहिर खान इस पूरी जानकारी के लिए। इतने किरदार हैं, इतना उलझा है मामला कि लगता है परिवार वालों को भी याद रहता होगा या नहीं रहता होगा कि सिरे कहां से किसके जुड़ रहे हैं। और पूरे दिन आज मुंबई में शीना मर्डर केस से जुड़े तमाम किरदारों से पूछताछ चलती रही, इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना, ड्राइवर श्यामवर राय की एक साथ पूछताछ चल रही है। इन तीनों को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं, केस की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इन तीनों पर कानूनी फंदा भी कस दिया गया है, कत्ल और साजिश समेत 4 धाराओं में इन पर मामला दर्ज किया गया है। स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को भी थाने तलब किया गया, पीटर मुखर्जी से उनके पासपोर्ट की कॉपी मांगी गई, उन्होंने अपना एक लिखित बयान पुलिस को सौंपा, पुलिस उस बयान को खारिज कर चुकी है जिस तरह से हमारे संवाददाता शम्स ताहिर खान ने अभी अभी बताया है। इस बीच पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी के करीब कभी करीबी रहे वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी ने इंद्राणी मुखर्जी के मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। वीर सांघवी का कहना है कि इंद्राणी ने उनसे शीना का परिचय अपनी सौतेली बहन के रूप में कराया था। ग्रुप्स ऑफ पीपल शी सेड व्हेन शी वाज क्वाइट यंग हर फादर वॉकड आउट ऑफ द हाउस एंड वाज नेवर सीन अगेन। हर मदर देन सो शेड्स ऑफ हैमलेट वेंट ऑन टू मैरी द फादर्स ब्रदर। She says she never got on with her stepfather, that her stepfather molested her, that at quite a young age she therefore walked out of home because her mother would not take her side. She went off to Calcutta, was very young, met this guy, this Khanna person who's now Sanjeev much Khanna. In the, that's right, met him, married him, had Vidhi, was very unhappy with him, left him, even though according to what she told us, her mother-in-law took her side against her own son, came to Bombay with virtually nothing with Vidhi, tried to make a living, was taken to a party by Alec and Sharon where she met Suhail Seth and Peter Mukherjee and you know the rest of the story. क्या समाज का एक तबका है जहां पर सब कुछ सामान्य भी नजर आता है, इस तरह की कहानियां। बहरहाल जो FIR है जिसमें तीन आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना, पूर्व ड्राइवर श्यामवीर का नाम दर्ज है, इन तीनों से मुंबई पुलिस आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। हम आपको दिखाते हैं कि किन सबूतों के आधार पर पुलिस गुनहगार तक पहुंचना चाहती है। T
एक बेटी जिसे अपनों ने ही गला घोटकर मार डाला, एक माँ जो अपनी ही बेटी की मर्डर की मास्टरमाइंड निकली, एक पिता जिसने अपनी सौतेली बेटी की हत्या की साजिश में साथ दिया, एक भाई जिसके पास साजिश की कड़ियां जोड़ने वाले सबूत हैं, और एक ड्राइवर जो पूरी साजिश का सबसे अहम राजदार है। शीना वोरा, इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना, मिखाइल बोस और श्याम राय। मुंबई पुलिस इन्हीं पांच चेहरों के इर्द गिर्द सबूतों का वो ताना बाना तैयार कर रही है जिसके जरिए अदालत में शीना वोरा हत्याकांड के सुलझाने का दावा किया जा सके। इन्हीं पांच किरदारों से मुंबई पुलिस को पांच बेहद अहम सबूत मिले हैं। सबूत नंबर एक, शीना के शव का अवशेष, हड्डी, बाल और दांत मिले। मुंबई पुलिस की मजबूत घेराबंदी की बुनियाद बनेंगे ये सबूत जो रायगढ़ जंगल में मिले हैं। मुंबई से जो फोरेंसिक टीम पुलिस के साथ यहाँ पर आई है, उन्होंने जो कंकाल 2012 में यहाँ पर दफन किया गया था उसके कुछ अवशेष मिले हैं, और वो लेकर अभी जो फोरेंसिक टीम के जो एक्सपर्ट है वो यहाँ से जा रहे हैं। और ये जो बक्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सूटकेस आपको दिखाई दे रही है, उसके अंदर ये सारे कंकाल रखे हुए हैं। रायगढ़ के जंगल में शीना वोरा की लाश के अवशेष मिले हैं जिन्हें मुंबई लाया गया है और जिनकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। शीना की हड्डी के कुछ हिस्से पहले से मुंबई के जेजे अस्पताल के पास हैं, जिनसे मिलान किया जाएगा। हमारे पास जो चाम बोन बोनते जले हुए बोन दिए है, उसके साथ कुछ दांत भी है और कुछ बाल और कुछ स्किन जो होता है वो है हमारे पास, और उसका हमने जो उनको रिपोर्ट देना चाहिए वो दिया है और हमने प्रिजर्व करके रखा है क्योंकि ये हमको आया था पुलिस से। इंद्राणी को कटघरे में खड़ा करने का सबसे पुख्ता सबूत है ड्राइवर श्याम राय का बयान। श्याम राय ने पूछताछ में पूरा वाकया यूं बयान किया है। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, नेशनल कॉलेज के पास मैंने गाड़ी रोकी थी, शीना वहां आई लेकिन संजीव खन्ना को पीछे बैठा देखकर उसने गाड़ी में आने से इनकार कर दिया। इंद्राणी ने शीना को जबरन गाड़ी में खींचा, पानी की बोतल से उसे कुछ पिलाया जिसे पीकर वो बेहोश हो गई। मैं शीना की हत्या में शामिल नहीं था लेकिन मैंने लाश ठिकाने लगाने में साथ दिया। ड्राइवर श्याम राय ने पुलिस को यह बयान दिया है कि 24 अप्रैल 2012 को वो उस कार में जरूर मौजूद था जिसमें शीना का कत्ल हुआ, मगर वो कत्ल में शामिल नहीं था। हाँ, उसने कत्ल के बाद लाश छुपाने में आरोपियों की मदद जरूर की। अब पुलिस श्याम राय के इस बयान के बाद उसे सरकारी गवाह बनाने की भी सोच रही है ताकि केस को अदालत में सही ढंग से रखा जा सके। मुंबई पुलिस दूसरे सबूत के तौर पर शीना, इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर के कॉल रिकॉर्ड पेश करेगी। मुंबई पुलिस ने चारों के कॉल डिटेल खंगाल लिए हैं और अब वो ये साबित करने की हालत में है कि वारदात की रात यानी 24 अप्रैल 2012 की शाम 6 बजे से रात 1 बजे के बीच चारों के फोन कॉल का लोकेशन एक है। फोन कॉल से साबित हो जाता है कि चारों उस रात मुंबई में थे। शीना के कत्ल की पहली उन मोबाइल नंबरों में भी छुपी हुई है जो कि उसके कत्ल के दौरान इंद्राणी के फोन से किए गए थे। पुलिस के मुताबिक उनमें से कई नंबरों की तलाश अभी जारी है। हो सकता है कि जांच के दौरान उन नंबरों के पड़ताल होने के बाद इस पहेली में कोई नया किरदार शामिल हो जाए और शीना की मौत की गुत्थी सुलझ जाए। एक और अहम सबूत साबित होगा संजीव खन्ना का बयान जिसे कोलकाता से मुंबई लाया गया है। संजीव खन्ना से पुलिस सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। ये भी पता चला है कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन असली चुनौती तब खड़ी होगी जब अदालत के सामने उसका बयान होगा। ये पहला मौका था जब मुंबई पुलिस ने शीना मर्डर केस के तीनों अहम आरोपियों से पूछताछ की। इंद्राणी मुखर्जी और ड्राइवर श्यामवर राय से पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी है, उनके बयान भी दर्ज कर चुकी है। अब संजीव खन्ना से पूछताछ के बाद पुलिस तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि शीना के कत्ल के पीछे मकसद क्या था वो सामने लाया जा सके। रायगढ़ से पंकज खेलकर के साथ मुंबई में शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक।
इस बीच मुंबई पुलिस ने इंद्राणी के बेटे मिखाइल और इंद्राणी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। अरसे बाद माँ बेटे आमने सामने थे तो दोनों भावुक भी हुए। मिखाइल ने अपनी माँ से इस बात पर अफसोस जताया कि उसने कभी माँ जैसा बर्ताव नहीं किया। एक शख्स जो इंद्राणी, पीटर और शीना के बारे में बहुत कुछ जानता है, वो है मिखाइल बोरा। गुवाहाटी से मुंबई पुलिस मिखाइल को लेकर यहाँ आई और फिर माँ बेटे को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। पूछताछ के दौरान दोनों के बीच सवाल जवाब भी हुए। मिखाइल ने अफसोस जाहिर करते हुए पूछा, मैं आपका ही बेटा हूँ, लेकिन आपने मुझसे बेटे की तरह कभी बर्ताव नहीं किया। इस पर इंद्राणी ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बेटा मानती रही हूँ। दोनों का आमना सामना हुआ तो राहुल और शीना के रिश्तों पर भी बात चली। मिखाइल ने पुलिस की मौजूदगी में इंद्राणी से कहा, मैं आपसे बार बार शीना की गुमशुदगी के बारे में पूछता रहा, लेकिन आपने मुंह बंद रखने की धमकी दी। इस पर इंद्राणी ने कहा, ऐसा नहीं था। मिखाइल ने 2011 की ईमेल का भी जिक्र किया और ये कहा कि पीटर मुखर्जी को भी पता था कि राहुल और शीना के लव अफेयर हैं। इस पर इंद्राणी ने कहा, इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। आपको बता दें कि मिखाइल का दावा है कि 2011 में शीना ने एक मेल किया था राहुल, इंद्राणी और पीटर के नाम। उस मेल में शीना ने रिश्तों का पूरा सच बयां किया था। मेल में साफ साफ लिखा था, मैं इंद्राणी की बहन नहीं बेटी हूँ, राहुल से मेरा लव अफेयर है। यानी कि मिखाइल की माने तो पीटर मुखर्जी भी जानते थे कि शीना इंद्राणी की बहन नहीं बेटी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये कि इस मेल से यह खुलासा होता है कि परिवार के भीतर शीना को लेकर कितनी जबरदस्त तकरार चलती रही। मिखाइल ने मुंबई पुलिस को 4 साल पुराना वो मेल सौंप दिया है। मिखाइल बोरा ने मुंबई पुलिस को चंद फैमिली फोटोग्राफ भी सौंपे हैं। इन तस्वीरों में इंद्राणी के साथ मिखाइल की तस्वीर है, राहुल के साथ शीना की तस्वीर है, तो पहले पति सिद्धार्थ दास के साथ मिखाइल, शीना और इंद्राणी की भी तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से मुंबई पुलिस इंद्राणी, शीना और राहुल के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ जान सकती है। मिखाइल ने यह भी खुलासा किया कि शीना और राहुल 2010 में उनके घर दिवाली पर गुवाहाटी आए थे, तब की तस्वीरें भी अब तक उनके एल्बम में सजी थी और शायद जिन्हें अब वो पुलिस को सौंप चुका है। इसके अलावा वो अकाउंट डिटेल भी पुलिस के पास है, जिसमें हर महीने इंद्राणी घर खर्च के लिए पैसे भेजती थी। गुवाहाटी में इंद्रजीत कुंडू के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, मुंबई आज तक। शीना हत्याकांड में मुंबई पुलिस को कुछ सबूत मिले, कुछ आरोपी मिले, लेकिन बहुत कुछ मिलना अभी बाकी है। सवाल यह है कि वो कार कहाँ है जिसमें शीना को मारा गया, वो कपड़े कहाँ हैं जिसे शीना ने आखिरी वक्त पर पहना था, और वो मेल किसने मुंबई मेट्रो को भेजा था जिससे पहले शीना का इस्तीफा भेजा गया था। मुंबई पुलिस कड़ियां जोड़ रही है, तमाम किरदारों से सच उगलवाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कई अनसुलझे सवाल हैं जो अभी भी जवाब के इंतजार में हैं। कई सबूतों से भी मुंबई पुलिस दूर है। वारदात में जिस कार का इस्तेमाल हुआ, इसकी अभी तक बरामदगी नहीं हो पाई है। अगर बरामद हुई भी तो अब तक उस पर मौजूद सारे सबूत निश्चित तौर पर मिट गए होंगे। अगर पुलिस के हाथ शीना के कपड़े लग जाते हैं तो उसकी हत्या साबित करना बेहद आसान हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस शीना के कपड़ों की तलाश ही कर रही है। पुलिस को शीना की लाश नहीं बल्कि लाश के अवशेष मिले हैं। 3 साल बाद डीएनए टेस्ट में मुश्किलें आएंगी। वारदात के दिन शीना की कंपनी मुंबई मेट्रो में छुट्टी के लिए मेल भेजा गया। उसी मेल से शीना का इस्तीफा भी भेजा गया। वो मेल किसका था, पुलिस को इस सवाल का भी जवाब तलाशना है। इसके अलावा तमाम आरोपी भी बयान बदल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो कत्ल का मकसद साबित करने की है, क्योंकि इसके बगैर अदालत में तमाम सबूत बेमानी और बेअसर हैं। विद्या के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। और अब हम आपको बताते हैं कि सस्पेंस और रिश्तों की कई परतें उधेड़ने वाले इस हत्याकांड का खुलासा कैसे हुआ, कैसे हत्या 3.25 साल पहले हुई, लेकिन मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी इस साल गर्मियों में एक फोन कॉल से मिली। जून 2015 की एक दोपहर मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को एक गुमनाम फोन आया। फोन किसी महिला का था
जिसने बताया कि शीना बोरा नाम की लड़की का कत्ल हो चुका है और उसे यकीन है कि कत्ल उसी की मां यानी इंद्राणी मुखर्जी ने किया है। वो ये भी बताती है कि इंद्राणी मुखर्जी के पति का नाम पीटर मुखर्जी है और वो इंद्राणी मुखर्जी के घर का पता भी बताती है। इसके बाद वो फोन काट देती है। राकेश मारिया इस खबर को सुनने के बाद सबसे पहले खार पुलिस स्टेशन से शीना नाम की किसी लड़की के बारे में जानकारी मांगते हैं, पर थाने में 3 साल पहले हुई ऐसी किसी वारदात की कोई खबर नहीं थी। लेकिन राकेश मारिया को अब तक यकीन हो चला था कि फोन करने वाली सच कह रही है। इसी के बाद उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद इंस्पेक्टर दिनेश कदम को मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन इस हिदायत के साथ कि ऐसी किसी जांच की भनक किसी को न लगे। दिनेश कदम ने सबसे पहले गुपचुप तरीके से इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। इंद्राणी के वर्ली के घर और उसके सदस्यों के बारे में पूरी छानबीन की तो पता चला कि शीना नाम की एक लड़की इस घर में आती जाती तो जरूर है, लेकिन वो इंद्राणी की बहन है और बीते 3 साल से उसका कोई अता पता नहीं है। इसी दौरान पुलिस ने किसी तरह इंद्राणी के पूर्व ड्राइवर श्यामवीर को ढूंढ निकाला। उसका लगातार पीछा किया जाने लगा और मोबाइल को भी सर्विलांस पर लगा दिया गया, लेकिन इन दोनों चीजों से ही केस आगे नहीं बढ़ रहा था। आखिर में पुलिस ने फैसला किया कि श्यामवर को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन खतरा एक था। जिस वक्त श्यामवर की निगरानी की जा रही थी तब इंद्राणी मुखर्जी देश के बाहर थी। पुलिस को शक था कि राय की गिरफ्तारी की खबर मिलने पर शायद वो देश ही न लौटे, इसीलिए पुलिस ने इंद्राणी के देश लौटने का इंतजार करने का फैसला किया। मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा मारिया कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए अपने सबसे भरोसेमंद इंस्पेक्टर दिनेश कदम का तबादला खार पुलिस थाने में कर दिया। साथ ही दूसरे भरोसेमंद सीनियर इंस्पेक्टर दत्ताते भारूगुड़े को भी खार पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। इसके अलावा अपने भरोसेमंद एसीपी संजय कदम को भी खार थाने से जोड़ दिया। ये तीनों अफसर शुरुआती दौर से ही राकेश मारिया के साथ रहे हैं और यहाँ तक कि 26/11 की जांच में भी शामिल रहे हैं। उधर एक रोज खबर मिली कि इंद्राणी मुंबई लौट आई। खबर मिलते ही पुलिस ने श्यामवीर राय को उठा लिया। गिरफ्तारी आर्म्स एक्ट के तहत दिखाई गई। हर तरीके से उसे समझाया या कि आर्म्स एक्ट में संजय दत्त भी जेल जाने से नहीं बचे, इसीलिए शीना के कत्ल का सच बता दो। पुलिस की सख्ती के आगे राय जल्दी ही टूट गया और फिर उसने 24 अप्रैल 2012 को सारी कहानी उगल दी। पर पुलिस को उसके बयान पर अब भी यकीन नहीं था। राकेश मारिया सिर्फ ड्राइवर के बयान पर इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार करने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लिहाजा सबसे पहले राय के बयान की तस्दीक करने का फैसला लिया। इसी के बाद श्यामवीर राय को रायगढ़ के उस जंगल में ले जाया गया जहां उसने शीना की लाश को जलाने और दफनाने की बात कही थी। राय की बताई गई जगह से पुलिस को कुछ इंसानी हड्डियां मिली। इसके बाद रायगढ़ पुलिस से यह भी पता चल जाता है कि 23 मई 2012 को ठीक उसी जगह से एक महिला की जली हुई और बुरी हालत में लाश मिली थी। इंसानी हड्डियां, रायगढ़ पुलिस के बयान और राय के कबूलनामे के बावजूद पुलिस अब भी इंद्राणी मुखर्जी पर हाथ नहीं डालना चाहती थी। उसे कुछ और सबूतों की तलाश थी और आखिरकार ये सबूत मिले श्यामवीर राय, इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना के 24 अप्रैल 2012 के फोन लोकेशन से। सारी कड़ियां जुड़ चुकी थी, सबूत अब सॉलिड थे। इसी के बाद मारिया ने अपनी टीम को इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार करने की हरी झंडी दे दी और आखिरकार 25 अगस्त को इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। गिरफ्तारियां हुई हैं, पूछताछ चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मामला सुलझ चुका है।